हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं कर रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट, जो कि कल के व्लॉग में मैं लाई थी सब्जियाँ, उसमें मैं फ्रूट्स भी लाई थी, पर ये एप्पल इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लग रही है और थोड़ी सी ख़राब भी है, मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी महंगी महंगी चीज़ें लाते हैं, फिर ख़राब निकलती है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा, अब मैं नहा लेती हूँ और फिर लंच की प्रिपरेशन करनी है। और अभी टाइम हो रहा है 9:30, 9:30 बजे मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। बस अब थोड़ा रूम में करती हूँ रीअरेंज एंड फिर जाती हूँ नहाने के लिए। नहा लिया है, फेस पर टोनर लगा दिया है और अभी चिकू को दे रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। मैंने भी तब ओनली फॉर एक एप्पल ही खाया था, कुछ दूध तो मैं नहीं पी रही हूँ, क्योंकि मुझे दूध पीने से क्या पता जी घबराता है। तो आज पीने वाले हैं हम जूस, जो कि चिकू लेके आए थे। तो अभी मैं दोनों ग्लास में अलग अलग डिवाइड कर देती हूँ। जूस के ग्लास भर चुके हैं, चलो मैं चिकू को दे देती हूँ। ओह, कौन सा कुबेर का खजाना खोल के बैठे हो। लो जूस, अब मैं भी पीती हूँ। यस, खट्टा। मैं कर रही हूँ आज पूजा, क्योंकि मम्मी है वो गोंदिया की कड़ी बना रहे, इसलिए। तो ये फूल वगैरह जो भी है वो सब कंप्लीट क्लीन करती हूँ और फिर पूजा स्टार्ट करती हूँ। सेवा कंप्लीट हो चुकी है, अब पूर्वज के और बाहर तुलसी माता की सेवा कर देते हैं। ये हमारा खाना, ड्राई रोटी, कड़ी और ये सलाद। तो मैं मेरा खाना फिनिश कर देती हूँ और फिर जाना है मुझे शॉप पे जल्दी से, तो जल्दी से जल्दी खाना निपटा के चलते हैं। मैं जा रही हूँ अभी शॉप पर और कैमरे की बैटरी तो फुल है। चलो, तो कल की जैसे लो लेके जाती तो क्या होता। मैं आ गई हूँ शॉप पे और आगे वाली शॉप पे अभी कुछ कस्टमर आने वाले हैं। सो मैंने जो कल के व्लॉग में ऑफ़र बताया था, उस ऑफ़र का ज़रूर लाभ उठाए जो भी मेरे सब्सक्राइबर है कल परसों के व्लॉग्स में। और अगर व्लॉग्स कंटिन्यू देख रहे हो तो अब नए नए ऑफ़र्स और आने वाले हैं, रेगुलर कुछ ना कुछ नया आता ही रहेगा। पे है अपॉइंटमेंट्स चालू हो गए हैं सैलून के, और अब आप कोई भी आओ तो मुझे कॉल करके आना। और टाइमिंग ये रहेगा 12 बजे से लगाकर शाम को 6:30 से 7 बजे तक मैं सैलून में आपको मिलूँगी। तो आप तब मैं से किसी भी टाइम आके अपनी सर्विसेज ले सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप अपना अपॉइंटमेंट लिखवा कर ही आए, क्योंकि उस हिसाब से मैं टाइम दूँगी तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। तभी मैं जाती हूँ आगे शॉप पर, कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं उनको अटेंड कर लेती हूँ। सैलून में किया आज कंप्लीट साफ़ सफाई, ये पीछे आप पूरा कांच देख रहे हो, ये पूरा साफ़ किया है और पूरा कंप्लीट ये सेल्फे वगैरह क्लीन की, इधर से उधर पूरा चेयर्स वगैरह क्लीन की, सोफ़ा क्लीन किया, क्योंकि ब्लैक है इसलिए थोड़ा मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी जमती रहती है तो फिर ये वाइट हो जाता है। वाइट क्या होता है, अलग ही दिखता है ऊपर गंदा। और अभी मैं जा रही हूँ मेरे ब्लाउज़ स्टिच कराने देने के लिए, क्योंकि अब यश की शादी पास में आने वाली है, तो तैयारी तो थोड़ी बहुत तो चल ही रही है, पर ब्लाउजेज़ देना स्टिच कराने के लिए तो दे के आती हूँ। और एक मम्मी का भी है, तो मम्मी ने बोला तो वहाँ पे स्टिच कराना, देखती हूँ कैसी फिटिंग है। हाँ, दे के रवाना, तो अभी जाते हैं। जाना, मैं आ गई हूँ ब्लाउज़ रख के, और मम्मी का ब्लाउज़ थोड़ा अर्जेंट बनवाने के लिए भी के आ गई हूँ। चलो थोड़ा सा तो चिल्ड हुआ, इतने टाइम से थोड़ा कम एसी ठंडा कम कर रहा था, पर अभी थोड़ी देर चालू रखा और मैं आगे ही बैठी रही। तो अभी बैठी हूँ मैं आगे वाली शॉप पर, और अभी हम सारी एक स्कीम डिसाइड कर रहे हैं, जो कि है आप ना NPJ पर कुछ भी शॉपिंग करोगे तो आपको यहाँ के कूपन्स मिलेंगे, और यहाँ के कूपन्स पर NPJ के लिए नहीं दे सकते। चिकू अभी वही मुझे बता रहे थे क्या क्या आइडिया है, कैसे क्या करना है। तो वही सब डिस्कस हो रहा है। तो आप अगर एनपीजे पे विज़िट कर रहे हैं तो शॉपकरो पे भी साथ ही साथ विज़िट कीजिए, तो आपको ऑफ़र्स अच्छे अच्छे उसी के साथ मिलते रहेंगे। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि शुगर पे अभी रिसेंटली क्या ऑफ़ चल रहा है। अभी मुझे पता चला है कि शुगर पे क्या ऑफ़ चल रहा है, और वो ऑफ़ मैं आपको पहले से बता देती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर हो इसलिए। ये ऑफ़ 1000 की शॉपिंग के ऊपर अप्लाई होने वाला है। 1000 की अगर आप मिनिमम शॉपिंग करते हो तो आपको 10% शुगर पर ऑफ़ मिलने वाला है। और ये ऑफ़र सिर्फ 2 दिनों के लिए है, आज का दिन और कल का दिन, जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे हो, और इसके दूसरे दिन तक ये ऑफ़र है वो यानी वैलिड रहेगा। इसके बाद इस पर ऑफ़र नहीं रहेगा, पहले से मैं आपको क्लियरली देती हूँ। और आपको यहाँ पर आके बताना है कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको इसका लाभ बिल्कुल मिलेगा। शुगर के जो भी प्रोडक्ट्स है इसके अंदर आ गया फाउंडेशन हो गए, प्राइमर हो गए, लिपस्टिक्स हो गई। शुगर एक कॉस्मेटिक ब्रांड है तो लड़कियों के लिए है ये मेनली ऑफ़र तो। और वेडिंग का सीज़न भी आने वाला है तो मेकअप की ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा रहेगी लड़कियों को, तो मेकअप पर आपको बहुत अच्छा एक ऑफ़र मिल रहा है, तो आप इस ऑफ़र का फ़ायदा जल्दी से जल्दी उठाइए। अभी जो शुगर पे मैंने ऑफ़ बताया है उसमें आप वैनिटीज़ भी बनवा सकते हो। और वैनिटी आप बहुत ही अच्छी एक फैसिलिटी बताने वाली हूँ कि आप ये शुगर की वैनिटी इंस्टॉलमेंट पर भी बनवा सकते हो, यानी आपको एक साथ सारा पेमेंट नहीं करना है, आप इंस्टॉलमेंट पर पेमेंट दे सकते हो। तो आपको काफ़ी यानी ईजी हो जाएगा और आपकी वैनिटी भी तैयार हो जाएगी। ये चीज़ मेरे को चिकू ने बताई है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट की है। अभी हो रही है 7:43 और अभी जस्ट हुई हूँ मैं सैलून से फ्री। अब चलते हैं सीधा घर पे और घर पे जाके डिनर तैयार करेंगे। आज मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। ये एसी काम क्यों नहीं कर रहा है, यानी यूँ ठंडा कट नहीं कर रहा है। कितने पे 16 पे 17 पे रख रही हूँ तो भी नहीं कर रहा है, और प्लस पानी भी नहीं निकल रहा है बाहर, पानी भी नहीं निकल रहा है, जबकि मैंने सुबह खाली किया है ये। हवा भी तो फिर पानी क्यों नहीं निकल रहा है? चिल्ड आ रही है या फिर इसके चीज़ को फिल्टर्स गंदे नहीं हो गए होंगे मिट्टी? हाँ, इसके भी फिल्टर गंदे हो गए। लो कर दो, साफ लगे। कल करते हैं। ठीक है। बहुत मिट्टी होगी। इतनी सफाई की है आज मैंने पूरे में। कल करते हैं। अब चलते घर पे, कल इस एसी की करनी पड़ेगी जनरल सेल्फ सर्विस करनी पड़ेगी। बाहर वाले एसी में भी हो रहा है, बाहर वाले में भी हो रहा है, तो बाहर वाले भी साफ करने पड़ेगी। बाहर वाले में भी एक टपका भी पानी नहीं निकला भाई की हम रह जाए नहीं। ओ मेरे भाई तू आशु ओ आशु हाँ वाह अच्छा तूने बहुत अच्छे कपड़े पहने। वाह ये मेरा फेवरेट है आशु। आशु आशु कोको लाइन का पिपी कोको पिपी आयशी चलो चलो कोको लेके आते हैं इसके लिए। कोको चलो पिपी पे कोको बाबा का तो मम्मा नहीं पड़े कर पे या खड़ा कहाँ रहना है, पकड़ना कहाँ है, सब पता है। चालू कर दो गाड़ी, चालू करो। हाँ फिर वो नीचे। हाँ बाय बाय कर दो, बाय बाय। इसको कोको दिला के आना बा। आगी क्या लेके आई? बंद कर दो गाड़ी, बंद कर दो यहाँ से। ओ अब तो गाड़ी चलाती भी हो गई है। तो दूसरे को दिलाते है क्या? किटकैट दिला देते क्यों? इससे ज्यादा सर्दी होती है। ये बोले यही चाहिए, ये बोले तो इसको बोलने देना चाहिए। इसको ये डंडी अच्छी लगती होगी। चलो चलो गप्पे गरज खत्म। घंटी बजा दो। दादी आ गई यू के दिन साशा निकाल ले। पटाख से खिंच लेती मैं आ लाऊं। चलो इतना ही खोल के दो, अब ये खोलेगी देखिए। खोलो खोलो खोलो। आज हिमारा आई नहीं है, आज क्यों नहीं आई भाई? हाँ तक हिम्मू आई क्यों नहीं आज? दादी क्या पूछ रही है? आज हिम्मू क्यों नहीं आई कॉकेट कॉकेट खाने के लिए भी? कोको अभी चाचा ने दिलाई है। थोड़ा शॉट ऑल ऑल टच कर ओ वाओ। पीछे नहीं ऊपर ऊपर। हेलो हेलो नो 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 हेलो हेलो लो अड़ो अड़ो टच करो ना, टच करो कुछ नहीं करेगा, ऐसे ऐसे करो ऐसे। वाह करेगा ये कुछ नहीं करेगा ये वाली कुछ नहीं करेगी। टच करो आशु हेलो हेलो ओ यार टच कर ले। हाँ अब बैठ गई। मैं यहाँ पर गवारफली काटूंगी और हिम्मी मेरे साथ मेरी कंपनी एंजॉय करेगी, है ना? आपकी कोको बता दो, कोको बता दो। कोको शाशा किसने दिलाई? शाशा। और अपन क्या कर ले? शिवजी बना दे, शिवजी 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 पाको तो वो क्या है ये टोकरी? हाँ चलो काटे। ओके दादी आ गई, दादी आ गई। ओ पापा मेरे को जो नहीं दादी को खाओ। करे करे मुड़ थी। मित्तू मित्तू कैसा था? मित्तू अच्छा था? मित्तू को टच किया कैसा लगा? अबे अड़ेगा। खाना बन चुका है और खाने में है। हिम्मी और हम दोनों ने मिलके बनाई काटी ये गवारफली, खीरा, रोटी और कुछ नमकीन ताकि थोड़ा सा यूँ चटपटा टेस्ट आए और खाने में थोड़ा सही लगे, क्योंकि गवारफली इतनी भाती नहीं है पर वह हरी सब्जी इसलिए खा रहे हैं। अच्छी बनी वो क्या कुकर में बनाई है ना, इसलिए वो अंदर तक पूरा जाता है मसाला, नहीं तो खुली फ्राई करते हैं तो वो ऊपर ऊपर ही रहता है। तो अब खाना खा लेते हैं और टाइम भी काफ़ी हो गया है, 9:30 हो गई है और यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय। और व्लॉग्स में बने रहिए, आपको ऑफर्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे।